कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया पर 20 दिसंबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले ही वो फरार हो गए। इस घटना के मद्देनजर यूथ अकाली दल ने फेसबुक पर बिक्रम सिंह मजीठिया की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। पोस्ट के मुताबिक बिक्रम सिंह ने नए साल से पहले 31 दिसंबर की शाम को स्वर्ण मंदिर का दौरा किया था। फेसबुक पर पोस्ट किए जाने के बाद मीडिया संगठनों ने ये तस्वीरें इसी दावे के साथ आर्टिकल्स में शेयर की। इनमें द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, जी न्यूज, द इंडियन एक्सप्रेस, आज तक और दैनिक भास्कर शामिल है। रिपोर्ट्स में बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर इस तरह की लापरवाही के चलते विपक्षी दल द्वारा कांग्रेस की आलोचना की बात कही गई है। बिक्रम सिंह मजीठिया की ये तस्वीरें पत्रकार मान अमन सिंह छीना, मोहित बहल, अमन शर्मा ने भी ट्वीट की। कुछ मीडिया संगठन जैसे इंडिया टुडे, आज तक, जी न्यूज, अमर उजाला, इंडिया टीवी और न्यूज 24 ने भी ये तस्वीरें ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की। तो क्या वाकई में 31 दिसंबर 2021 की शाम बिक्रम सिंह मजीठिया गोल्डन टेम्पल गए थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फेसबुक पर पंजाबी में कीवर्ड सर्च करने पर हमें 1 जनवरी 2021 की पीटीसी न्यूज की रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में सात विधायक सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया स्वर्ण मंदिर का दौरा करते हुए दिख रहे हैं। पीटीसी न्यूज की रिपोर्ट में वायरल तस्वीरों के दृश्य भी दिखते हैं। यहाँ साफ हो जाता है कि ये दोनों एक ही घटना के दृश्य है। पंजाबी दैनिक रोजाना के प्रवक्ता ने 1 जनवरी 2021 को ये तस्वीरें पोस्ट की थी। इसके अलावा ये तस्वीरें शिरोमणि अकाली दल मजीठा ने भी फेसबुक पर पोस्ट की थी। यानी मीडिया संगठनों ने बिक्रम सिंह मजीठिया की पुरानी तस्वीरें हाल की बताकर शेयर की। इन्हें शेयर करते हुए झूठा दावा किया गया कि राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा गया है कि बिक्रम सिंह की गिरफ्तारी में ढील बरती गई।